आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे कि अगर इस टाइप से दिया हुआ होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई टर्म एपी में है या नहीं, और अगर एपी में है तो उसके अगले टर्म्स को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला टर्म देखा जाए तो ए क्या है आपका, रूट टू। ये जो चीज़ है रूट एट, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा आप 4 टाइम्स में, फिर तो 2, यानी आप रूट एट को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी 2√2। इसकी पेयरिंग हो गई तो ये बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ क्या है, रूट एटीन को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, यानी 3√2। कहने का क्या मतलब है, ये जो सारे टर्म हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, पहला है रूट टू, दूसरा है 2√2, तीसरा है 3√2, और अगर उसमें डी देखें कॉमन डिफरेंस तो वो क्या होगा, डी इक्वल्स होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 2√2 में से रूट टू को माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाता है, 2√2। सिमिलरली अगर इसमें से इसको माइनस करें 3√2 माइनस 2√2, तो यहाँ भी डी क्या आ जाता है, 2√2। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि ये टर्म एपी में है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये दिया, 3√2 माइनस 2√2 सेम दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ये टर्म एपी में है। यानी इसका अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर है √2, फिर 2√2, फिर 3√2, यानी ऑब्वियसली अगला टर्म क्या होगा, 4√2, फिर अगला टर्म क्या होगा, 5√2। अब अगर जिस फॉर्मेट में यहां ये लिखा हुआ है, अगर उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 4√2 के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 2 बार आने से 1 बाहर आ जाता है, तो रूट के अंदर अगर ये जाएगा तो 2 बार लिखा जाएगा, यानी √32, और इस वाले की अगर बात करें तो वो क्या लिखा जाएगा, 5 × 5 × 2 = 25 × 2, यानी √50। यानी अगला टर्म इसमें अगर होगा तो वो क्या होगा, √32 और √50। सिमिलरली अगर यहां पर देखें तो ये क्या है, √3, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी ये हो गया √3, ये हो गया 2√3, ये हो गया 3√3। तो हम देख रहे हैं कि सेम ऑर्डर में है, यहां पर डी अगर निकाला जाए तो डी √3 होगा जो कि कांस्टेंट है, इसके लिए इसमें से भी अगर इसको माइनस करेंगे तो वही आएगा, यानी अगला जो टर्म होगा वो आपका क्या होगा, 4√3, और उसका अगला क्या होगा, 5√3। 4√3 को अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 × 4 × 3, और ये वाला क्या होगा, 5 × 5 × 3, 4 × 4 = 16, 3 = √48, और 5 × 5 = 25, 3 = √75। तो बेसिकली ये क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं एपी के, और अगर आपको ये पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है, पूरा समझना है तो आप मेरे बाकी वीडियोस को देखिए जो एपी के लिए मैंने बनाया है। वैसे ये कहीं पर घुमा करके दूसरे एग्जाम में भी दे सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। थैंक यू।